फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्टेट से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसका यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ साथ में जो आपकी आगामी वैकेंसी जैसे कि SGPGI, UPSSC लैब टेक्नीशियन, रेलवे लैब टेक्नीशियन, इन सब का प्रिपरेशन हम लोग संकल्प बैच के साथ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश का जो प्रिपरेशन है बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो न्यू बैच लॉन्च किया गया उसमें आप जुड़ के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे बैच के बारे में यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच में। तो आपकी जो थ्योरी क्लास है तो आपको लाइव थ्योरी क्लास दिया जाएगा, लाइव आपको MCQ क्लास दिया जाएगा। उसके बाद में जो हमारा थ्योरी और MCQ क्लास होगा उसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। संडे को आपका टेस्ट होगा, यानी कि वीकली आपका टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट संडे को दिया जाएगा और साथ में आपकी जो डाउट सेशन बनेगी उसको भी आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये आपका जो क्विज होता है टेलीग्राम पे, डेली आपको क्विज टेलीग्राम पे करने को मौका मिलेगा। तो 20 से 25 प्रश्नों का जो क्विज होता है वो आपको डेली प्रैक्टिस के रूप में आप टेलीग्राम पे देख पाएंगे। और आपका जो क्लास होगा थ्योरी वाला वो भी आपका 1 घंटे का होगा, और जो हमारी MCQ क्लास होगी हमारी ये भी 1 घंटे की होगी। आपके जॉब के टाइम पे ये बैच नहीं स्टार्ट किया गया। आप सभी को पता होगा कि आप लोग 10 से 4 अपना जॉब करते हैं तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं 8 to 9 PM होती हैं, और हमारी जो दूसरी क्लास स्टार्ट होती है 9 to 10 PM होती है। तो ये दो हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, एक में हम थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, दूसरे में हम जो थ्योरी क्लास पढ़ते हैं उसी के हम लोग यहाँ पे MCQ को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्रिपरेशन है बेहतरीन तरीके से हो जाती है। बैच की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 17 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोग हेमेटोलॉजी को कवर कर रहे हैं। हेमेटोलॉजी में हम लोग 4 लेक्चर ले चुके हैं, तो जितनी भी आपकी क्लासेस हो गई हैं उसका आप लोग रिकॉर्डेड मोड की क्लासेस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो लाइव लीजिए, अगर कोई क्लास छूट जाता है आपसे तो आप उसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। बैच की अगर प्राइस की बात करें तो हमारा बैच का प्राइस यहाँ पे है 449 रुपये। अगर आप यहाँ पे 25 तक ज्वाइन करते हैं बैच को तो आपको 25 से 30 के बीच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बैच 400 में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 400 में आपको ये बैच दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लिख भी दे रहे हैं 6307881812 में आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो प्राइस था वो हमारा 20 तक हमारा था 349 रुपये, बट आपकी प्राइस एक्चुअली में जो है 449 रुपये है। तो इस बार हम 30 तक भी 50 रुपये आप कर रहे हैं, तो जो बच्चे 25 तक हमारी 25 से 30 के बीच में जो क्लासेस ले रहे हैं उनको ये बैच आपका 400 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे बैच को अगर ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307881812 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, क्लासेस आपकी प्राइवेट मोड टीचमेंट एप्लीकेशन पे होंगी और जो क्विज होगा हमारा टेलीग्राम पे होगा। PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारा जो टीचमेंट एप्लीकेशन है उस पर भी मिल जाएगा। देखो ये आपके जो प्रश्न है ऊपर वाले दिखा देता हूँ, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ MP का ही पेपर है। देखो ये आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ग्रुप 5 फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन अदर इक्विवेलेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का है। 15 अप्रैल को आपका यहाँ पे टेस्ट हुआ था, 3:00 PM, 3 बजे मतलब कि 3 बजे वाली शिफ्ट में आपका जो ये पेपर हुआ था उसका ये आपका पेपर है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आप यहाँ पे लोगो देख पा रहे होंगे अपने, किसका MP व्यापम का। ठीक है ओके, अब यहाँ पे देखो 1 से 20 तक प्रश्न जो आपके मिलेंगे, 1 से 25 तक जो आपके प्रश्न मिलेंगे ये आपके क्या रहेंगे, वही आपका जो होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आप हिंदी देखोगे, इंग्लिश देखोगे और मैथ देखोगे। ठीक है, जिससे अगर यहाँ पे देख पा रहे तो जनरल स्टडी की बात किया जाए, बी वेटेड द स्टेशन 15 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिखेगा ऑफ एट, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा एट, यानी कि बी वेटेड ऑफ द स्टेशन एट 15 मिनट। तो आपका इंग्लिश वाला है भैया, इसको किसी तरह आपको पढ़ना होगा क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका ठीक है स्कोर अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो इन सब पे हम थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा माहिर हम भी नहीं है। आते हैं अपने टेक्निकल पोर्शन पे जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें हम कोई माहिर नहीं कि भैया आपको एक एक चीज समझाएंगे अच्छे से, देखिए प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, अतीन्द्रिय, अछूता, दूरदर्शी, तो उसको अतीन्द्र कहते होंगे। देखो इसका सही आंसर क्या है, तो ये आपका पता नहीं क्या लिखा, अदृश्य लिखा हुआ है, अतीन्द्र का आंसर यहाँ पे अदृश्य, तो अतीन्द्र इसका सही है। हाँ ठीक है, अतीन्द्र आपका सही आंसर है। तो हिंदी वगैरह थोड़ा सा आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे आज, हाँ आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी, प्रस्तुत वाक में सामाजिक सामासिक शब्द को चुने और बताएं कि कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद समास, दीर्घ समास, अव्यय समास। वसीम भाई क्यों नहीं देंगे पेपर, यार पैसा दिए हो तो पेपर दे देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इस पे भी बात करूंगा। अभी तो आपका पेपर 3 मंथ बाद है, इस पे मैं बात करूंगा कि कैसे आपको कवर करना है। तो चलो 1-2 दिन में इस पे भी बात कर लेंगे कि 25 नंबर में क्या ऐसा तैयारी करें जिससे आपका चीज यहाँ पे कवर हो जाए। निधि वर्मा, हाँ 2022 वाला पेपर आपने ही हमको सेंड किया था और मैंने उसको गायब कर दिया, तो ये मेरी गलती है। ठीक है चलो प्रश्न सॉल्व करते हैं। 28 लोग आ चुके हो भैया, काफी हो। ये आपका टॉपिक है, इधर देखो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और प्रश्न पढ़ते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा पहले, बाद में आप लोग आंसर देखना। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट इज डॉट डॉट। अब भैया बताओ मैंने इसको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। सबसे पहले तो मैं यही पूछता चलूंगा कि क्या मैंने इसको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो हमने एंटीकोगुलेंट के बारे में पढ़ाया और एंटीकोगुलेंट में हमने लिक्विड एंटीकोगुलेंट के बारे में भी बताया, पीडीएफ आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपने क्या होगा आपका राइट आंसर बच्चे, सी द राइट आंसर सोडियम साइट्रेट इज द राइट आंसर बनेगा, क्योंकि सोडियम साइट्रेट ही क्या है आपका लिक्विड वाला पार्ट है। अगर ईडीटीए की बात करेंगे तो उसमें आपने देखा सॉलिड फॉर्म में, एक जो हमारी पीडीएफ थी उसमें लिखा था कि हम क्या लेते हैं सॉलिड फॉर्म में 2 मिलीग्राम पर ml लेते हैं, तो ये आपका ईडीटीए क्या होगा आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, आप सभी को पता चल गया होगा। तो सी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे सेकेंड नंबर का प्रश्न है, मायोग्लोबिन इन ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन, यानी कि आपका जो मायोग्लोबिन है ये क्या करता है आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है ये आपको बताना है। देखो भैया प्लाज्मा है, लीवर है, लिम्फोटिक फ्लूड है और आपका हार्ट है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपका जो मायोग्लोबिन होता है आपके कहाँ पे पाया जाता है आपके हार्ट में पाया जाता है, हार्ट मसल में पाया जाता है, मेनली कहेंगे मायोग्लोबिन। ठीक है, तो आपका हार्ट मसल इज द राइट आंसर बनेगा। अब ये बताओ तीसरा नंबर का प्रश्न हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है, प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर 24 आवर्स यूरिन सैंपल इज, ये बताओ हमको। अरे ऐसे नहीं, ये कर दो, इस पे सब पे विचार करेंगे तब ना ये कर देंगे, सभी लोग पहले से देखे हो पेपर तो ये कर दे रहे हो। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया ये पहले बताओ। प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर्स यूरिन इज, नहीं पढ़ाया शहनवाज, कैसे यार यूरिन आप पढ़े ही नहीं हो, सही बात तो ये होगा। ठीक है, हमने पढ़ाया है प्रिजर्वेटिव बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि यूरिन का जो लेक्चर है सबसे पहले लेक्चर में हमने यूरिन प्रिजर्वेटिव के रूप में ही बात की है, और वो लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कंसंट्रेशन जो आपका HCl है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज, माल्टोज और डेक्ट्रोज ये तीनों को अगर आपकी यूरिन में मिल रहा है भैया, तो ये आपके क्या करेंगे आपके बैक्टीरियल के कल्चर में काम आते हैं, ये तीनों जो पदार्थ हैं आपके बैक्टीरिया के कल्चर में काम आता है। तो भैया जो चीज कल्चर में काम आ रहा है, जो चीज ग्रोथ में काम आ रहा है, वो आपके प्रिजर्वेटिव कैसे हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका कंसंट्रेट HCl जाएगा। साथ साथ में हमने फार्मेलिन बताया है, टालोडीन बताया है, और आपका एक बोरिक एसिड जो होता है उसके बारे में बताया, ये सब आपके क्या है प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना। वसीम अहमद, उस वक्त मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं प्रिजर्वेटिव को एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नहीं कोई कहेगा कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ जो क्लास ले लिया है बंदे ने। ठीक है, पहले दिन की क्लास शायद थी, पहले दिन की नहीं थी, पहले दिन की क्लास नहीं थी। ठीक है, हाँ मैं इसमें, हाँ सॉरी मैं बता रहा हूँ, सॉरी रुक जाओ, ये जो आपकी क्रांति बैच है, क्रांति बैच में हमने नहीं पढ़ाया है बच्चे। ठीक है, क्रांति बैच में हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, क्रांति बैच में हमने नहीं पढ़ाया है, जो हमारा संकल्प बैच चल रहा है जस्ट हमने पढ़ाया है, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, डॉट डॉट रेजेंट यूज फॉर अकल ब्लड टेस्ट इन इज कार्सोजेनिक, यानी कि इसमें कौन सा जो आपका रेजेंट है वो आपका आपके मतलब कि कार्सोजेनिक होता है, कहीं कर सकते हो उसका जो आपका अकल ब्लड टेस्ट होते हैं वो आपके कार्सोजेनिक होते हैं, ब्यूरेट, बेंडिक और ठीक है वायल्स और आपके बेंजेडीन। तो राइट आंसर जो आपका जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। देखो बेंडिक नहीं है भैया, बेंडिक आपका कोई भी कार्सोजेनिक नहीं है, बेंडिक कहाँ पे यूज करते हैं बताओ भैया कमेंट करके, बेंडिक कहाँ यूज करते हैं बता दो मेरे प्यारे साथियों। फिर शुगर यार, फिर शुगर, कसम से भूपेंद्र भाई इसे ही करके ठोकेंगे। मनीष भाई रिड्यूसिंग सबस्टेंस, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, निधि गलत हो गया भैया, रिड्यूसिंग सबस्टेंस कहोगे। ठीक है बिल्कुल फारूक भाई, रिड्यूसिंग सबस्टेंस, आशीष भाई बिल्कुल, आर्यस रिड्यूसिंग सबस्टेंस। तो जितने लोगों ने क्लास लिया बेंडिक का वो समझ गए होंगे रिड्यूसिंग सबस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम शुगर यानी कि ग्लूकोज के साथ साथ अदर प्रकार के भी हम लोग यहाँ पे सुक्रोज को, ग्लूकोज को करते हैं, कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, और कुछ आपके जो नॉन शुगर वाले पार्ट होते हैं उनको भी हम बेंडिक सबस्टेंस सॉरी बेंडिक टेस्ट के द्वारा हम उसको
देख सकते हैं, इसीलिए उसको हम रेड्यूसिंग सबस्टेंस कहते हैं। ऐसे सबस्टेंस जो हमारे यूरिन में आ रहे हैं और उनका आना नहीं चाहिए, उनको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। वो अलग बात है कि हम एक्सेसिवली शुगर के लिए मानते हैं। तो थोड़ा सा डांस कर लेते हैं भाई, गाना बज रहा है पीछे। चलो इस नंबर पे आओ, 5 नंबर का प्रश्न है। टेस्ट डन फॉर क्लॉटिंग टाइम इज कॉल्ड। हेमलता वॉइस में क्या दिक्कत है बताओ बच्चे, वॉइस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही है। देखो कैपिलरी ट्यूब मेथड है और ड्रिप मेथड है, ठीक है, टेम्पलेट मेथड है और आपका क्या है, आपका आईबी मेथड है। तो देखो भैया, अगर हम बात करेंगे क्लॉटिंग टाइम के लिए तो आपका कैपिलरी ट्यूब मेथड इज द राइट आंसर जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। ड्रिप मेथड की बात करो, चाहे आप यहाँ पे आईबी मेथड का बात करो, चाहे आप टेम्पलेट मेथड का बात करो, सभी का जो है आप इसके लिए करते हो, आप ब्लीडिंग टाइम के लिए करते हो, ब्लीडिंग टाइम के लिए करते हो। कॉपी में नोट कर लो, दोबारा कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप कर ले जाओ। ड्यूप मेथड, आईबी मेथड, टेम्परेट मेथड ये हम किसके लिए, ब्लीडिंग टाइम के लिए करते हैं, जबकि कैपिलरी ट्यूब मेथड हम किसके लिए, हम यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम के लिए करते हैं। तो असीम भाई यार मस्ती के साथ करो, अगर आ रहा है तो क्या करें, हम डीजे किसी बंद नहीं करवा सकते। और मुन्ना भैया वाला खेल है क्या, जाए समझो यार। घोड़ा वाला देखे हो मुन्ना भैया में, मतलब मिर्जापुर, एजोस्पर्मिया रिफर टू डॉट डॉट। एजोस्पर्मिया रिफर टू एब्सेंस ऑफ सीमन या फिर आपका एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंस ऑफ सीमन। तो देखो ये प्रेजेंस ऑफ सीमन तो नहीं होगा एजोस्पर्मिया में, ना फिर आपका एब्सेंस ऑफ सीमेन होगा। क्यों भैया, यहाँ पे जो स्पर्मिया की जो बात की जा रही है वो स्पर्म के लिए की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही आएगा वो आपका बी द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ पे गलत करके आएंगे, आप गलत करके आएंगे इन दो ऑप्शन में, एब्सेंस ऑफ सीमेन और आप एब्सेंस ऑफ स्पर्म। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई स्पर्मिया टाइप का शब्द आएगा तो आप समझ लेना कि आपकी ये स्पर्म काउंटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ऑल्गोस्पर्मिया मतलब कि कम आपका स्पर्म आ रहा है, और उसके बाद में एजोस्पर्मिया मतलब कि एब्सेंट है, और जो आपका पॉलीस्पर्मिया होता है, एक वर्ड हमने बताया था जिसमें आपका जो स्पर्म काउंटिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और स्पर्म काउंटिंग नहीं बढ़ती एक्चुअली, आपके जो डाइल्यूशन है यानी कि जो आपका सीमेन फ्लूड है वो आपका ज्यादा हो जाता है, ये आपका रेयर कंडीशन होता है बच्चे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। 7 नंबर का प्रश्न है, द ए इन सीपीडी ए स्टैंडर्ड फॉर एंड इट गिव बेटर प्रिवेंशन। बताओ मतलब कि जो आपका सीपीडी ए है, सीपीडी ए में ए क्या है, जो कि आपके ब्लड को अच्छे से प्रिजर्व करता है, बेटर प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको देखा जाता है, एल्डोसोल, एडनीन, एल्कलाइन या फिर आपका, ठीक है, निर्जल यानी कि एनहाइड्रस। तो सभी लोगों का यार बच्चे सही आंसर है, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप फाड़ के रख दोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा, आपका एडनीन इज द राइट आंसर बनेगा। चलो बच्चे सभी ज्ञानवान बच्चे यहाँ पे बताओ आपका सैगम का फुल फॉर्म क्या होगा, अब बताओ सैगम का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कमेंट करके बताओ। यार कितना टाइम लगाते हो भाई, प्रश्न ही ना किया करें क्या। एस फॉर सेलाइन, ए फॉर एडनीन, जी फॉर ग्लूकोज और एम फॉर माल्टोल। क्लियर है अब तो बता दो, अब तक तो कमेंट कर दो भैया कि क्लियर है। अरे भूपेंद्र कहाँ तक पहुंचे, सेलाइन लिखो यार। दोनों होता है भैया, ग्लूकोज माल्टोज, ठीक है। ये ध्यान रखना, एनएचएम में पेपर पूछा गया था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है। चलो
अगले प्रश्न पे आओ, अगला प्रश्न प्रश्न प्रश्न। अरे 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 बच्चे, आंसर नहीं देखना चाहिए। 8 नंबर पे आ जाओ। डॉट डॉट मेथड इज यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट मोलिटी ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। मोटिलिटी मतलब कि गतिशील कह सकते हो भैया, या फिर कह सकते हो क्या, चलन। बताओ भैया, जो आपका डेमोस्ट्रेट होता है आपके चलन के लिए, मोटिलिटी के लिए, वो आपका कौन सा यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है? इंडिया इंक, ठीक है, लेक्टोफिनॉल, लोफलर, या फिर आपका हैंगिंग। तो भैया सभी लोग डी कर रहे हो ना, चलो ठीक है, आपका हैंगिंग इज द राइट आंसर। ये बताओ इंक किसके लिए किया जाता है? इंक इंडिया इंक स्टेन किसके लिए किया जाता है? पढ़ाया है मैंने, ऑप्शन में पढ़ाया है, संकल बैच में हमने पढ़ाया है, का पता है, जब बैक्टीरिया का मार्फोलॉजी पढ़ा रहे थे। हाँ, इंडिया इंक कीजिए, नेगेटिव स्टेन डेमोस्ट्रेटिंग फॉर कैप्सूल। वेरी गुड मनीष भाई, कैप्सूल। इसमें क्या होता है, आपका बैकग्राउंड कलर होता है, और आपका जो कैप्सूल होता है वो कलर नहीं होता है, अनस्टेन रहता है, बहुत जस्ट इसको हमने पढ़ाया है। ये बताओ लोफलर किस के लिए किया जाता है? बिल्कुल अनीता, राइट आंसर है। कॉनिबैक्टीरियम का टीबी के लिए कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी? कोई बताओ दिक्कत होगी या नहीं? नहीं, देखो आपका जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी है, या फिर कह सकते हो जो आपका टीबी है, उसमें आप लोकल सीरम स्लोब का उपयोग करते हो, ठीक है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, तो ध्यान रखना। और आपका जो ये आपका है लैक्टोफिनॉल जो है, ये कहाँ पे होता है काम भैया? तो लैक्टोफिनॉल आप फंगस के स्टेनिंग में करते हो, फंगस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हो। तो आपका हो गया चारों ऑप्शन क्लियर, हो गया ना? इंडिया इंक, लैक्टोफिनॉल, लोफरल सीलम स्लोब और हैंगिंग ड्रॉप, क्लियर हो गया होगा? चेतना, बिल्कुल फंगस के लिए। ये बताओ 9 नंबर का, एंजाइम रिलेटेड टू हार्ट इज, यानी कि आपके हार्ट, यानी कि आपके हृदय से कौन सा एंजाइम संबंधित है, आपके दिल से संबंधित कौन सा एंजाइम है, बता दो बच्चे। एमाइलेज है, लैक्टोज, हाइड्रोनेज है, या फिर आपका लाइपेज है, एसिड फास्फेटेज है? तो देखो एमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों आपका यहाँ पे नहीं जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आपका सेकेंड इज द, यानी कि बी इज द राइट आंसर बनेगा बच्चे, ठीक है। जिनको हिंदी आती है वो हिंदी देखें, और जो इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश समझते चलेंगे। अब ये बताओ, इसको तो हमने अभी जस्ट पढ़ाया है, हिम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट डॉट डॉट इज सॉरी इन आयरन स्टेट, बताओ भैया, सॉरी फेरस स्टेट। आयरन कहाँ चिल्ला रहे हो भैया तिवारी जी? हाँ भैया, फेरस स्टेट। हिम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट डॉट डॉट इन फेरस स्टेट। तो भैया ये तो सिंपल सा यार, ऐसे मतलब फाड़ के रख दोगे एकदम से, ऐसा प्रश्न तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए इधर राइट आंसर बनेगा, यानी कि आयरन बनेगा, ओके। और हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? ग्लोबिन में आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन आपका हो जाता है, फिर बाद में टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा भैया, हिम के साथ में हमने क्या बताया? हिम के साथ में मान लो आपका हिम टूटता है, ये आपका टूटा, तो हिम आपका मान लीजिए फेरस बन गया है टूट के, और एक पार्ट क्या निकलेगा इससे? एक पार्ट क्या निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, बताओ? ठीक है निधि, पोरफायरिन, चलो बहुत अच्छा। 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर का है, कॉगुलेज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर डॉट डॉट। कॉगुलेज टेस्ट पॉजिटिव फॉर किसके लिए? स्टेफाइलो कोकस ऑरियस के लिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट बनेगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखो बच्चा, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। द एक्सेसिव ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग, यानी कि आपका जो एस जी है, यानी कि आपका एक्सेसिव ग्रेविटी है आपके यूरिन का, उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे? कलरीमीटर से, यूरिनोमीटर से, इस ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, एल्बिनोमीटर से? तो भैया यूरिनोमीटर से आप करोगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर बनेगा बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर का जो है वो, विच इज द स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल सीन इन ब्लड, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो नहीं क्लियर है, सभी लोग कमेंट करके बताओ बच्चे।
चेतना को क्लियर है, और सभी लोग बता दो कि क्लियर है कि नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ पे जाएगा बेसोफिलिदा राइट आंसर। ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर व्हाइट ब्लड सेल की बात करेंगे तो इसके अनुसार आपका क्या है, बेसोफिलिदा राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न है कि आपका, ठीक है, न्यूक्लियर स्टेन यूज इन पेपनाकुलस स्टेन इज, बताओ डॉट डॉट, यानी कि अगर आप पेपनकुलर स्टेन यानी कि आप पैप स्टेन का यहाँ पे उपयोग कर रहे हो, देन उसमें न्यूक्लियस जो स्टेन होगा किसके द्वारा स्टेन होगा, हिमोटॉक्सिलिन, ट्रेफॉन्स ब्लू, न्यूट्रल रेड या फिर आपका मेथिलीन ब्लू। तो भैया इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, आपका ए इधर राइट आंसर जाएगा, हिमोटॉक्सिलिन इधर राइट आंसर बनेगा बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 15 नंबर का है, ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत देगा। व्हिच थ्योरी स्टेट दैट ये सिंगल टी आर एन ए यानी कि ट्रांसफर आर एन ए कैन रिकॉग्नाइज्ड मोर देन वन कोडान। तो ये बताओ कौन सा सिद्धांत, कौन से सिद्धांत के अनुसार एकल टी आर एन ए यानी कि एकल ट्रांसफर आर एन ए एक कोडान से अधिक पहचान सकता है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वावेल हाइपोथेसिस का आपका यहाँ पे है राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर बनेगा, जिन्होंने कभी अपने जिंदगी में पढ़ा होगा उनका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। 16 नंबर पे आ जाओ, 16 नंबर का राइट आंसर है एफबी स्टेनिंग इज आल्सो कॉल्ड डॉट डॉट स्टेनिंग। तो ये सभी को पता होगा एफबी स्टेन किसको कहते हैं, और तो मॉडिफाइड जो आपका बना मतलब कि एफबी के बाद में जो आपका नाम दूसरा आया वो आपका क्या आया, जो आपका जेडन स्टेन आया, तो उसी इज द राइट आंसर बनेगा। हमने बताया कि जो आपके एफबी स्टेन है, एफबी स्टेन किसने खोजा था बताओ, पहले एफबी स्टेन की खोज किसने की, ठीक है, पॉल इरलिच ने, अनीता बिल्कुल राइट आंसर है। तो इरलिच ने क्या किया था, इन्होंने काउंटर स्टेन का उपयोग नहीं किया था, काउंटर स्टेन का जो आपका, ठीक है, उपयोग है वो किसने किया, जील एंड नेल्सन ने किया था, जील एंड नेल्सन ने किया था। ध्यान रखना काउंटर स्टेन इन्होंने किया नहीं क्योंकि इनको काउंटर स्टेन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ इनको क्या जरूरत थी, एफबी की जरूरत थी यानी कि एसिड फास्ट बेसलाई की जरूरत थी, वो उनको मिल जा रहे थे, उनको आपके जो निगेटिव वाले थे उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है बच्चे, चलो 17 नंबर पे आ जाओ। 17 नंबर का है कि कंप्लीट सप्रेसर ऑफ यूरिन इज नोन एज अवरोध। ठीक है, मतलब कि जो मूत्र का पूर्ण अवरोध है, मतलब कि आपका जो यूरिन है वो आपका नहीं आ रहा है, उसको आप क्या कहोगे, एकदम से अवरोध हो चुका है उसको क्या कहोगे, एन्यूरिया कहोगे ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। अच्छा एन्यूरिया की मात्रा हमने क्या बताई, ये तो बताओ बच्चे, जो संकल्प बैच में पढ़े हैं यूरिन वाले एग्जामिनेशन उसमें हमने एन्यूरिया की जो मात्रा वो कितनी बताई है, ठीक है समझ गए होंगे, 100 ml बताया भूपेंद्र की 125, चलो 100 ml ही लिख लेना। तो हमने ये भी बताया होगा कि 100 से 125 दोनों में जो भी मिलेगा आपके एग्जाम में दोनों में आप लोग सही करना। ठीक है बच्चा, चलो ये अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है। थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड डॉट डॉट हार्मोन, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका क्या सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, T3, FSH, HCG और या फिर आपका LH। तो देखो भैया FSH आपका कहाँ से, पिट्यूटरी से, HCG कहाँ से, तो ये कमेंट करके बताओ, LH कहाँ से, आपके पिट्यूटरी से, तो आपका T3 कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, कहाँ से भैया थायराइड ग्लैंड से। और अगर बात करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टी थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड TSH, तो ये आपका कहाँ से, ये भी आपके पिट्यूटरी से, ठीक है, जो कि आपके थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आपका T3 को क्या करे, सिक्रेट करे। भैया ये बताओ एससीजी कहाँ से सिक्रीट होता है, कमेंट करके बताओ, फास्ट करके बताओ यार, गूगल मत क्या करो, नहीं आता है छोड़ दो, यहाँ पे सीख लेना। भैया ये प्रेगनेंसी के टाइम ही आपका बनता है और आपके ये प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से नहीं बच्चे, ये आपके प्लेसेंटा के द्वारा, लिख लो कॉपी में, लिखो भाई इकबाल अहमद भाई, लिखो आपके प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, कब, जब आपका कोई भी मदर वो क्या है प्रेग्नेंट है, इन केस में ही आपका एसटीजी बनेगा। और आप लोगों ने जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया होगा किट के द्वारा उसमें आपका जो भी आपका मतलब कि हार्मोन लगे होते हैं आपका एसटीजी ही यहाँ पे लगा होता है, देन आप यहाँ पे कर पाते हो, ठीक है, एफएसएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका ल्यूटिनिजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, दोनों ही आपके सेक्स के हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं बच्चे। ठीक है, दशरथ मांत बिल्कुल इधर आर द राइट आंसर, यू आर द राइट आंसर, ऐसे तो अंग्रेजी होता है ना, चलो ठीक ले सीख लेंगे भैया इंग्लिश उंग्लिश थोड़ा सा। पास स्टेन इज यूज फॉर डेमोस्ट्रेटिंग ऑफ,
तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका पास स्टेन के लिए कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन होता है भैया? पास स्टेन क्या काम करता है? लिपिड, एसिड फास्फेटेज, ग्लाइकोजन या फिर आपका माइलॉयड? तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ भैया आपका, यहाँ पे है 20 नंबर का, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलरुबिन इज डॉट डॉट, यानी कि आपके टोटल बिलरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? 0.2 से 1 मिलीग्राम से लेकर 0.,  हाँ ठीक है, 0.2 से 1 मिलीग्राम, 0.0 से लेकर 0.2 मिलीग्राम, 0 से लेकर 0.5 मिलीग्राम, 0 से लेकर 0.8 मिलीग्राम। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हमें लगता है कि 2017 में अगर इसका एग्जाम हुआ भी होगा तो इसका जो मेरिट है हाई ही गया होगा आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2017 में इसकी मेरिट हाई गई होगी, लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं, जिस तरह से आपके लैब टेक्नीशियन के क्लासेस और या यूट्यूब की जो क्लासेस हैं ये सब चल रही हैं, देन इस समय आपकी मेरिट इस पे बहुत हाई जाती, पक्का है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है 21 नंबर का, BDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि BDRL टेस्ट कहाँ पे करोगे? टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, निमोनिया के लिए, सिफिलिस के लिए? बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिफिलिस इज द राइट आंसर बन रहा है इसका, ठीक है, आपका डी इज द राइट आंसर बनेगा, सिफिलिस इज द राइट आंसर बनेगा। अच्छा बताओ टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करोगे आप बताओ? स्टेनिंग मत बताना यार, ठीक है, स्टेनिंग टेस्ट नहीं है। सीबी नेट? कोई बात नहीं, कैसे सीबी नेट कर दोगे, स्पुटम के लिए करोगे ना, अदर टीबी का करोगे? बिल्कुल आशीष भाई, माउंटेक्स टेस्ट करोगे, ठीक है, माउंटेक्स करोगे, लेकिन ये बेस्ट टेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बीसीजी का टीका लगा हुआ है देन ये आपका क्या देता है, फॉल्स पॉजिटिव देता है, ठीक है। बीसीजी का टीका और लगभग सभी लोगों को लगा है, इसलिए इसमें फॉल्स पॉजिटिव की ज्यादा चांसेस रहती है, बट जो आपका टेस्ट होता है माउंटेक्स टेस्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कल्चर भी करा सकते हो, ठीक है, वो अपना जगह पे है, स्पुटम का कल्चर करा सकते हो, मगर मेरे पूछने का जो अर्थ था वो माउंटेक्स टेस्ट था। और आप बताओ डिप्थीरिया के लिए क्या करोगे, कमेंट करके बताओ। ट्रू नाट कराओ, सीबी नाट कराओ, पीसीआर कराओ, ये तो एक अलग प्रकार का टेस्ट है, उसको थोड़ा छोड़ के यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था टीबी के लिए वो माउंटेक्स टेस्ट था। हाँ भाई टीबी गोल्ड भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्थीरिया के लिए बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट भी ना लगना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर बताओ, अगर जिसको आता है। सिक टेस्ट होता है, ठीक है, सिक टेस्ट होता है बच्चे, बिल्कुल सुशांत भाई, सिक होता है, अनीता बिल्कुल सिक टेस्ट होता है। तो डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट होता है, निमोनिया के लिए पर्टिकुलरली कोई टेस्ट मुझे तो नहीं याद है, लेकिन एक बार पीएससी पे निमोनिया के लिए टेस्ट के लिए क्या रिपोर्टिंग की गई है बताओ भैया, तो शायद होता होगा। इसके लिए आप एक्सरे कर सकते हो, मतलब कि सारे के सारे जो टेस्ट हैं इनडायरेक्टली टेस्ट हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल नाप सकते हो और सीबीसी कर सकते हो, उसके बाद में आप एक्सरे कर सकते हो, ये सब चीजें होंगी। बीडीआरएल आप क्या करोगे, किसके लिए? सिफिलिस के लिए करोगे, ठीक है। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर जाएगा। ये देखो आपका 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कीप ब्लड इन फ्लूड स्टेट, यानी कि रक्त को तरल अवस्था में रखता है। प्रश्न को पढ़ना क्या कह रहा है, इस बार आपके प्रश्न ऐसे आएंगे, रक्त को तरल अवस्था में रखता है, जल संतुष्ट बनाए रख जल का संतुलन बनाए रखता है, शरीर तापमान को नियंत्रित करता है और प्रतिरक्षी युक्त होता है, मतलब कीप ब्लड इन फ्लूड स्टेट, मेंटेन वाटर बैलेंस, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड कंटेन एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे समझो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दीज आर द फंक्शन ऑफ डॉट डॉट, यानी कि ये किसका फंक्शन है, प्लाज्मा का, ग्रेनुलोसाइट का, मोनोसाइट का, प्लेटलेट का? अरे भैया जब आपको यहाँ पे मिल गया मेंटेन वाटर बैलेंस, कीप ब्लड इन फ्लूड स्टेट, यानी कि ब्लड को फ्लूड स्टेट में रख रहा है, अरे भगवान आप सभी लोग इसका आंसर कर दोगे, ए इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा इज द राइट आंसर जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो अब ये बताओ 23 नंबर, ये बताओ प्रतिज्ञा वो संकल्प बैच में कौन कौन है जो यूरिन की क्लासेस लिया है अच्छे से? ये आप लोगों की जो संख्या है ना घटती जा रही है कसम से, ठीक है, चलो ठीक है, मेरा कुछ नहीं कर रहे हो, अपना भविष्य बिगाड़ोगे भैया, मेरा कुछ नहीं, मैं तो क्या है, मैं तो पैसा ले लिया आप सभी से, ठीक है आशीष भाई लिए हो। ये बताओ द टाइप ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट इज कॉल्ड, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, वेंस जोन या फिर आपका न्यूक्लियो प्रोटीन? तो भैया सभी का राइट आंसर है, ठीक है, वेंस जोन प्रोटीन हमने बताया है कि
जो आपका जब आप यूरिन प्रोटीन कर रहे होते हो, ठीक है, जो भी आप 2/3 यूरिन लिए हो, ऊपर पार्ट को गर्म किए हो, नीचे को कंट्रोल के रूप में छोड़ दिए हो, तो उसमें हमने बताया है आपका जो प्रेसिपिटेट है, अगर वो देरी से आता है, पहले आप हीट करके हटा लिए, कुछ देर बाद अगर आपका प्रेसिपिटेट आता है तो आपका बेंस जोन प्रोटीन होते हैं, और जो बेंस जोन का प्रोटीन है वो आपके मल्टीपल मायलोमा के केस में किया जाता है, मतलब कि वहां पे डेमोस्ट्रेट होते हैं, वहां पे आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया है, इसी बेस पे आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न जो मैं आज बात कर रहा था, प्रश्न में आपने जो लेक्चर लिया है किसमें, पेरिफेरल स्मेर में, वो प्रश्न यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो फिक्सेटिव यूज्ड इन लिस्मन स्टेन डॉट डॉट, अब भैया बताओ मैं जो बोलता हूँ वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मैं जो बता कहो जो भी, मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं देखा था कि क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है, लेकिन वो बन रहा है, मैं तो बस एज ए इम्पोर्टेंट के रूप में उसको देख रहा था, लेकिन बना, इसका मतलब भैया जरूरी है, समझो। तो भैया एसीटोन फ्री एथेनॉल, एसीटोन फ्री मेथेनॉल, एसीटोन फ्री ब्यूटोनॉल, ब्यूटेनॉल बिल्कुल भूल जाना, और आप यहाँ पे बिल्कुल भूल जाना, दिक्कत जहां पे आएगी मेथेनॉल और इथेनॉल में, तो अब आप जिसका राइट आंसर, वो सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। तो बी द राइट आंसर नहीं जाएगा कि जाएगा, जाएगा भैया। एक लड़की थी, कौन पहले आंसर की थी, उस वाले बैच में जो भी आंसर किया था उसका राइट आंसर था, तो एसीटोन फ्री मेथेनॉल इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लिस्मन स्टेन का जो आपका फिक्सेटिव होगा, आपका एसीटोन फ्री मेथेनॉल होगा, ध्यान रखना, पढ़ाएंगे लिस्मन स्टेन, बट आज हमने पूछा और ये आपको मिल गया। 25 पे आ जाओ, डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव, कौन कौन सा आपके फॉर्मलिन कंटेनिंग फिक्सेटिव है ये आपको बताना है। कॉर्नी फ्लूड, 10% फॉर्मल सेलाइन, क्लैरक्स फ्लूड, और आपका फ्लेमिंग फ्लूड। अरे भाई यार क्या प्रश्न है यार, मतलब साफ साफ लिख दिया है फॉर्मल सेलाइन लिख दिया बच्चे, तो राइट आंसर तो आपका सेकेंड हो ही जाएगा ना। क्या ये एनएचएम का पेपर, ये आपका पेपर कहाँ का, एमपी का, और आप अगर उस समय जो नौकरी नहीं लिया वो आपका एकदम से क्या बताएं, ठीक है। अब बताओ आप, प्रत्याशित प्रतिरक्षाओं का लक्ष्यों के का डॉक्टर के द्वारा पता लगाया जाता है, अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाई, ठीक है, डीएटी, आईसीटी, डीसीटी, या फिर आपका बीडीआरएल। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका आईसीटी, यानी कि सेकेंड इधर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ये जब आप एंटीबॉडी पढ़ोगे वहां पे समझ में आएगा। व्हिच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया के परजीवी का संक्रमण स्वरूप है उसाइट, स्पोरोजॉइट, ठीक है, ब्रेडियोजॉइट, और आपका, ठीक है, ट्रैकोजॉइट। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। मलेरिया में एनएचएम के पेपर में इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो स्पोरोजॉइट इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बच्चे। वसीम भाई अब क्या करें यार, तो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, रिकॉर्ड में देखना क्या करोगे, ठीक है। लोअर स्टेन जंक्शन मीडियम, यानी कि एलजे मीडिया जो होती है आपकी, ठीक है, एलजे जो मीडिया आपका होता है इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ डॉट डॉट, यानी कि आपका जो एलजे मीडिया है वो किसके लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लास्ट्रिडियम टिटानी, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो राइट आंसर आपका सभी को पता होगा, होगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एलजे मीडिया आपका किसके लिए, आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए की जाती है। कितने दिन के लिए की जाती है ये बताओ कमेंट करके, कितने दिन के लिए की जाती है ये बताओ कमेंट करके करके, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशल एक केस बनता है टीबी के केस में, जो आपका एलजे मीडिया होता है कितने दिनों के लिए इसको रखा जाता है। मनीष भाई बिल्कुल 48 दिन, 45 दिन दोनों आपका राइट जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके 48 है तो 48, अगर 45 है तो 45, ठीक है। हाँ अगर वीक दिया हुआ है तो इस बात को भी ध्यान में रखना, 3 से 4 वीक, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। 29 पे आ जाइए, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन ए बी डी एंटी सीरा इज, ए बी डी जो आपका एंटी सीरा होता है उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है बताओ बच्चे। 0.1% सोडियम एजाइड, या फिर आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो बिल्कुल ये इज द राइट आंसर आपका सभी का बनेगा, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ये इज द राइट आंसर किए हो। 30 नंबर पे आ जाओ,
साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन जेड सॉरी एच एंड ई स्टेनिंग इज, यानी कि आपका साइटोप्लाज्मिक स्टेन कौन सा है? एच एंड ई यानी कि हीमोटॉक्सिन एंड ईओसिन में साइटोप्लाज्म को कौन स्टेन करता है? ईओसिन, हीमोटॉक्सिन, न्यूट्रल रेड या फिर आपका मेथाइनिन रेड? तो भैया देखो, आप सभी को पता चल गया होगा, चाहे आप अगर पैप स्टेन की बात करो, चाहे आप यहाँ पे एच एंड ई स्टेन की बात करो, जो आप हिस्टो में करते हो, दोनों में आपका जो हीमोटॉक्सिन है वो किसके लिए? आपके न्यूक्लियस के लिए किया जाता है, और ईओसिन जो होता है आपके साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो यहाँ पे इतना समझ लेना, इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 31 का बनेगा। 31 का क्या बनेगा? डी एल्कोहलाइजेशन मीन्स, यानी कि आपका जो डी एल्कोहलाइजेशन हो रहा है, देखो एल्कोहल जो हो गया उसका अगर डी कर रहे हो, डिहाइड्रेशन, तो सेम एज समझ लेना। ठीक है, निर्जलीकरण तो आपका नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो क्लीनिंग इज द राइट आंसर जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो ये प्रोसेसिंग की बात है, जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे वहां पे प्रोसेसिंग पढ़ोगे, जो क्लीनिंग वाली प्रोसेस होगी उसी को क्या कहते हैं? डी एल्कोलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी तक अगर देखा जाए तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा है, जो कि पूछने लायक था आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 32 नंबर का है। एल इन एल ब्लॉक स्टैंड स्टैंड फॉर, यानी कि आपका एल इन एल ब्लॉक में इसका स्टैंडर्ड क्या है आपका, ये बताओ। लेंथ है, लेबल है, या फिर आपका ठीक है ल्यूक हार्ट से, या फिर आपका लाइट है? तो ये आपका क्या बनेगा? आपका यहाँ पे सी द राइट बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से ये लगता है। ठीक है, अभी अगला पढ़ाओ भैया, आज हमें पढ़ाया है हमने, ठीक है ये वाला कल पढ़ाया है हमने। 33 का बताओ। डायल्यूटिंग फ्लूड यूज फॉर आरबीसी काउंट इज, डेसी फ्लूड, ट्रक फ्लूड, हिंगरमैन और 1% अमोनियम मार्गलेट। देखो भैया प्रश्न मिल गया, ठीक है कल वाले बच्चे प्रश्न मिल गया, यहाँ पे क्या नहीं दिया बताओ, यहाँ पे क्या नहीं दिया जो आप लोग सोच के बैठे थे? बताओ ना, यहाँ पे दिया नहीं आपका हेम्स फ्लूड। बिल्कुल मनीष भाई, यहाँ पे हेम्स फ्लूड नहीं दिया, यहाँ पे उसने क्या दे दिया? डेसी फ्लूड दे दिया। तो बहुत बच्चे जो हेम्स फ्लूड को पढ़े होंगे, डेसी फ्लूड को थोड़ा सा मतलब कि नजरअंदाज किए होंगे, वो यहाँ पे गलत करके आएंगे। तो प्रश्न आपके एकदम से सिंपल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बस दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि आप कंसंट्रेट होके चीजों को देख नहीं रहे हो, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर तो बन जाएगा। ट्रक आपका किसके लिए हो जाएगा? आपके WBC के लिए। हिंगरमैन किसके लिए हो जाएगा? आपके एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट के लिए हो जाएगा, लिख लो। 1% अमोनियम मार्गलेट आपके प्लेटलेट के लिए हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे भूपेंद्र भाई, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? ये आपका 34 नंबर का है। एग्जाम्पल ऑफ सुप्रा वाइटल स्टेन इज, न्यू मेथिलीन ब्लू, पेरोक्सिलीन ब्लू। ठीक है, देखो यार सब लोग मतलब पहले पढ़ लिया करो, ऑप्शन ए ही कर देते हो जल्दी से। टाइपेन ब्लू, ठीक है गैबेट्स मिथिलीन ब्लू। तो इसका राइट आंसर आपका ए द राइट आंसर बनेगा। सुप्रा वाइटल स्टेन का जो मेन आपका स्टेन है न्यू मेथिलीन ब्लू है। ठीक है, इसमें जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है वो आपके न्यूक्लियस यानी कि जो आपका डीएनए होता है उसको, डीएनए आरएनए को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट में ध्यान रखना। ये देखो प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 35 नंबर का। ब्यूचेरिया ब्रेनकॉप्टी कॉड, यानी कि ब्यूचेरिया ब्रेनकॉप्टी क्या काज करता है? ठीक है, एमीबियासिस, टॉक्सोप्लास्मोसिस, ठीक है एंट्रोबेसिस, या फिर आपका फाइलेरियासिस? तो भैया फोर इज द राइट आंसर इसका बनेगा। ठीक है, करेक्ट है, चार इसका नंबर राइट जाएगा। फाइलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया रोग काज करता है ब्यूचेरिया ब्रेनक्रॉप्टी। ये हमने बताया है, हमने यूरिन वाले एग्जामिनेशन में जब माइक्रोस्कोपिक करा रहे थे बच्चे, तो वहां पे हमने ये पॉइंट बताया है आपको कि माइक्रोस्कोप में आपको यूरिन वाले क्या क्या दिख सकता है। तो वहां पे हमने एक आपका बेजाइनिस करके बताया था, ठीक है ट्राइकोमोनास को वाला, और एक हमने फाइलेरिया का बताया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने बताया है। इतने पॉइंट से अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कभी क्लियर चीजों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इम्यूनोजेंस आर डाटा, यानी कि प्रतिरक्षा जन होते हैं, कंप्लीट एजी, कंप्लीट एज, इनकम्प्लीट एजी, एलर्जेंस, या फिर आपका एंटीबॉडी। तो इम्यूनोजेंस क्या होते हैं भैया? तो आपके कंप्लीट एजी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। संपूर्ण प्रतिजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 37 नंबर का, बहुत बार पूछा गया है। प्लेटलेट आर स्टोर एट, यानी कि अगर मैं कहूँ चाहे MPNHM की, चाहे UPNHM की, चाहे MP की बात करूँ, चाहे उड़ीसा की बात करूँ, ठीक है सभी का ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो
तो बताओ भैया, प्लेटलेट आर स्टोर एट द टेम्परेचर कितने पे? ठीक है, बिल्कुल आपका डी द राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर नहीं कह सकते, उससे थोड़ा सा जो कम होता है आपका, 22 से 24 समझो, बस इतना आपका राइट आंसर बनेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से सभी लोग राइट हो। 38 नंबर पे किडनी फंक्शन टेस्टिस, अरे भाई एल्ब्यूमिन, बिलरुबिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एसजीओटी। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या कह रहा है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, ये तो नहीं जाना चाहिए। ये सही है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। एल्ब्यूमिन, बिलरुबिन, ठीक है, किडनी का हो गया, ठीक, बिल्कुल एसजीओटी किडनी का हो गया, तो सही तो हो गया बच्चे, काहे कंफ्यूज कर रहे हो यार। ठीक है, राइट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिलरुबिन आपका कहाँ पे हो गया, तो आपका हो गया किडनी, उसका लीवर का हो गया बच्चे, लीवर लीवर। ठीक है भैया, टेस्ट राइट है। ठीक है, अगला 39 पे आ जाओ। गुडिंग एंड, ठीक है, स्वीटवर्ट, गुडिंग एंड स्वीटवर्ट्स द्रव, यानी कि आपका जो गुडिंग एंड स्वीटवर्ट फ्रूट इज एग्जाम्पल फॉर डट डट फ्रूट, तो बताओ भैया गुडिंग एंड स्वीटवर्ट्स द्रव जो है किसका उदाहरण है? निर्जलीकरण का, निकासी यानी कि क्लीनिंग का, डीकैल्सिफिकेशन का, इम्प्रेगनेशन का, बताओ इसका। तो आपके किसका है भैया? डीकैल्सिफिकेशन का है। जब हिस्टोलॉजी पढ़ना तो यहाँ पे ये सब आपको समझ में आएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, ये देखो आपका इलाइजा का फुल फॉर्म पूछा है। अब देखो इतना बड़ा प्रश्न है, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, एंजाइम लिंक, एंजाइम अनलाइक्ड लिखा है, देखो अनलाइक्ड लिखा है, एमिनो सॉर्बेंट एस से, एंजाइम लिंक एमिनो ग्लोबिन एस से, एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट एस से, और आपका एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एस से, एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेंट एस से, और एंजाइम लिंक एमिनो सॉर्बेट बेंट आपका, तो सी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, सब एरेट लिखा, सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, इमिनो सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे सॉर्बेंट लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सी इज द राइट बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर जल्दबाजी रहेगी तो आप डी करके चले आओगे भैया मेरे। ठीक है, तो सी आपका क्या जाएगा? आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर बनेगा बच्चे। ठीक है, क्लियर है ना? अरे चलो ठीक है, 41 पे आ जाओ। एग्जाम्पल फॉर ग्राम निगेटिव कोकाई, यानी कि ग्राम निगेटिव कोकाई कौन सा है? नाइजीरिया है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, या फिर आपका स्टेप्टोकोकस है, निमोनिया है, तो नाइजीरिया इज द राइट आंसर बनेगा। नाइजीरिया इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये बताओ, इसको हटाना नहीं है, हाँ बस। 42 नंबर पे आ जाओ, जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, बन टेस्ट और बेंजीडीन टेस्ट। तो बेंजीडीन आपके ब्लड, बन किसके लिए? यूरिन, और सॉरी यूरिन कह रहे हैं, बन किसके लिए भैया, कौन रेशियो होता है? बेंडिक आपका रेड्यूसिंग सबस्टेंस, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए इधर राइट आंसर बनेगा आपको। हाँ नरेंद्र भाई, बिल्कुल राइट आंसर क्या आपने, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, इसका रेशियो होता है वो आपका यहाँ पे टेस्ट होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है भाई, बिल्कुल आशीष भाई, यूरिया केवल नहीं करोगे इकबाल भाई, केवल यूरिया नहीं करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये देखो आपका फुल फॉर्म पूछ लिया है आपके एफएनएससी का, फाइन नीडल एस, ठीक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। अब देखो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी पहला है, फाइन नीडल एस्पायरेशन केमिस्ट्री है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है, एस्पायरेशन और फाइन नीडल, फायर नीडल भैया, देखो यहाँ पे फायर नीडल लिखा हुआ है, आंख में अगर चश्मा नहीं लगा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी और फाइन नियोप्लास्ट एस्पायरेशन साइटोलॉजी, तो सी इज द राइट बनेगा। ठीक है, सी इज द राइट बन जाएगा आपका। ठीक है भैया, सी इज द राइट बन जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है, 1 मिनट का समय मिलेगा, उतने में आपको देख लेना है। इंडिकेटर यूज इन एंटीसीरा ए इज, बता भैया कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है एंटीसीरा में? ठीक है, एक्रीफ्लेविन, ट्राइफेन ब्लू, ठीक है, ब्रोमो ब्रोमोक्रेसोल ब्लू, मेथिलीन ब्लू, तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा।
तो सेकेंड इज द राइट आंसर जाएगा आपका, जो ब्लू वाला कलर होता है टेरेफेन ब्लू होता है। ठीक है, 45 पे आ जाओ। डॉट डॉट इज ये ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका कौन सा राइट आंसर जाएगा बताओ बताओ बताओ, इसमें से पढ़ाया हूँ इसको एनएचएम में, इसको मैं सॉल्व कराया हूँ। तो आपका सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, HBSAG आपका जो है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, ठीक है, HBSAG आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चा, सभी का राइट आंसर है, जितने लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। ठीक है, न्यूट्रल रेड इज द यूज इन इंडिकेटर इन डॉट डॉट मीडियम। न्यूट्रल रेड कहाँ पे यूज करते हो, ब्लड अगार में, मेकॉन्की में, चॉकलेट अगार में, SDA में, यानी कि SDA का फुल फॉर्म क्या होगा। चलो बताओ किसमें, मेकॉन्की में, तो न्यूट्रल रेड बताओ भाई, मेकॉन्की इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। हमने एक कल्चर मीडिया संकल्प बैच में पढ़ाया है, वहां पे हमने पूरा लिखा दिया था पूरा। ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया में जो सॉरी सिलेक्टिव मीडिया में शायद, कि शायद डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल मीडिया में आता है ना मेकॉन्की, तो वहां पे हमने लिखा है उसकी पूरी चीजों को। ठीक है, आयर्स स्पेटुला जो होता है, स्पेटुला जो होता है इज यूज टू ऑब्टेन सिंपल फॉर, तो ये आपके ठीक है किसके लिए, सर्विक्स के लिए, या फिर आपका यूटेरस के लिए, या फिर आपका फेलोपियन ट्यूब के लिए, या फिर आपका एंडोमेट्रियम के लिए। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो ये आपके किसके लिए, सर्विक्स के लिए किया जाता है, जिसके बाद आप क्या करते हो मेनली पैप स्टेन को परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे ये आपका ठीक है स्पेचुला यूज करते हो। ठीक है, आयर्स स्पेचुला यूज करते हो। तेजेंद्र के बुक में आपको आराम से इसका जो फिगर है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, 48 पे आ जाओ। मेथड फॉर ठीक है शार्पनिंग ऑफ नाइफ, यानी कि आपकी जो चाकू है उसके शार्पनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो। स्टॉपिंग ठीक है, क्लीनिंग, माइक्रोटोमी, माइक्रोटोमी कोई पॉइंट नहीं बनेगा और क्लीनिंग कोई पॉइंट नहीं बनेगा। स्टॉपिंग और हैंगिंग पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिसका जो राइट आंसर जाएगा हैंगिंग इज द राइट आंसर जाएगा। तो 4 इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि माउंटेक्स टेस्ट इज, माउंटेक्स टेस्ट इज ये स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ, भैया जो मैं पूछता हूँ आपका प्रश्न में मिल रहा है, देखो लेप्रोसी, हेपेटाइटिस, एड्स और आपका ट्यूबरकुलोसिस। 4 इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। 4 इज द राइट आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे 50 नंबर का है। डॉट डॉट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल फॉर इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बताओ। प्रतिरक्षा, मध्यस्थता, आधान ठीक है आधान प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। ग्राफ्ट वीएस होस्ट डिजीज, आयरन ओवरलोड ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड, या फिर आपका बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ग्राफ्ट वीएस होस्ट डिजीज, ये आपका सेकेंड इज द राइट आंसर जाएगा। कलम बनाम ग्राह्यता, यानी कि होस्ट जो होते हैं रोग जो आपका है उस पर काम करेगा। लिस्ट स्टैंडर्ड फॉर, LISS स्टैंडर्ड फॉर किसके लिए है, लीटर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सो ठीक है सोल्यूशन, लेबल ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन, लो आयनिक शुगर सोल्यूशन, लो आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो लो आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका 4 इज द राइट आंसर बनेगा बच्चे। 52 नंबर पे आ जाओ। रेजेंट यूज फॉर ठीक है फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूल इज, ये बताओ। मल के फ्लोटेशन विधि के लिए प्रयुक्त अपकर्मक है, तो सेलाइन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ईथर है, जिंक सल्फेट है, बताओ कौन सा राइट आंसर जाएगा। जिंक सल्फेट इज द राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, बिल्कुल मनीष भाई राइट आंसर है, इकबाल भाई आपका सही है। डॉट डॉट इज द ठीक है, ये बताओ जांघ की हड्डी थिंग जो आपकी बोन होती है, थाई जिसको कहते हैं, बताओ थाई वाली बोन क्या होती, जांघ की हड्डी, फीमर, बिल्कुल देखो कार्पल्स आपके होंगे नहीं, ठीक है रेडियस अल्ना आपके यहाँ पे होंगे नहीं, देन आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका फीमर इधर राइट आंसर बनेगा बच्चे। ठीक है, आयरन स्टोर आर रिड्यूस इन में डॉट डॉट में लो भंडार कम हो जाते हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया में, परसीनियस एनीमिया में, हेमोलिटिक एनीमिया में। इसमें कह रहा है कि आयरन का जो स्टोर है वो आपका कम हो जाता है किस केस में, बताओ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में,
या फिर आपका माइक्रोसेप्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में, या फिर आपका परनीसियस एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में, या फिर आपका हेमोलिटिक एनीमिया में, बताओ भैया। तो माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक में आपका ये कम होगा। माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक में हमने बताया है क्या, माइक्रो मतलब कि आपका जो साइज होगा सेल का वो छोटा हो जाएगा, सेटिक का मतलब सेल हो जाता है, हाइपो मतलब क्या हो जाता है, हाइपो मतलब क्या कम, यहाँ पे हाइपो भी हो रहा है मतलब कि कम हो रहा है, और क्रोमिक का मतलब क्या हो जाता है, कलर हो जाता है। तो एनीमिया का जो मैं लेक्चर डालूंगा उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ एक एक पॉइंट को, जिसमें आपके एमसीएच किसमें घट रहे हैं, एमसीएससी जिसमें डिमेंड रह रहा है, इन सभी के बारे में आप वहाँ पे अच्छे से देख पाओगे। तो मैं इसका जो लेक्चर है आज अपलोड कर दूंगा, कल तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द साइट फॉर सीएसएफ कलेक्शन इज इन एडल्ट इज, तो बताओ ये एडल्ट में आपका जो सीएसएफ कलेक्शन है वो आपका कहाँ पे होता है, L2 L3 से, L5 से L6 से, L1 से L2 तक, L3 से L4 तक। तो डी इज द राइट आपका बनेगा, L3 से L4 के बीच में आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो भैया ये सब हमने जो हमारा पुराना बैच है उसमें हमने पढ़ा दिया है। बफी कोट इज यूज फॉर डॉट डॉट प्रिपरेशन, यानी कि बफी कोट का जो प्रिपरेशन है किसके लिए करते हैं, ठीक है। बफी कोट का जो यूज है किसके प्रिपरेशन के लिए, एली सेल के लिए करते हो। आज ही तो हमने बताया, आज या कल बताया, जब पीसीबी है, पीसीबी आप पहले बेंट्रोप करोगे, बेंट्रोप से आप ईएसआर करोगे, ईएसआर के बाद पीएसीबी करोगे, पीसीबी के बाद आप यहाँ पे एली सेल का भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो बच्चे, ये चीज हमने बताया है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 57 नंबर का है। व्हिच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आर जनरली एब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कौन सा प्रकार सामान्यतः रोगी के परिधीय रक्त उच्च रक्त फिल्म से अनुपस्थित होते हैं। भैया क्या क्या है यार, बताओ भैया। रिंग, सेनोजॉइट, स्नोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, बी द राइट आंसर बनेगा। मलेरिया पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कौन सा आपका जो गैमेट से वो आपका यहाँ पे अनुपस्थित रहता है, आपके किसमें, फैल्सीफेरम वाले केस में, सेकेंड वाला शायद एब्सेंट रहता है, वही आपका क्या है, इसको ज्वाइंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक, और आपका फिर दूसरा कौन सा, डायस्टोलिक। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे सिस्टोलिक की तो आपका 120 mmHg, और डायस्टोलिक की बात करेंगे तो आपका कितना, 80 mmHg हो जाएगा। डायस्टोलिक की बात कितना हो जाएगी आपका, ठीक है, डायस्टोलिक में आपका 80 mmHg हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो सिस्टोलिक में आपका 120 mmHg, और आपका जो डायस्टोलिक है उसमें आपका 80 mmHg हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द प्रॉपर्टी आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया होता है उसका जो आउटर कवरिंग एरिया होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कह सकते हो। सॉरी यार प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा है भैया, पढ़ लो इसको फिर से एक बार। द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, तो बताओ जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर होता है आपके बैक्टीरिया के आउटर वाला भाग वो क्या होता है, फ्लेजिला होता है, पिली होता है, कैप्सूल होता है, इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैप्सूल इज द राइट आंसर बनेगा ना, तो बिल्कुल। फ्लेजिला आपके किसमें, उसके चलन में काम आएगा, यानी कि उसके मोटिलिटी में काम आएगा, और पिली उसके एडहेसिव कह सकते हो, यानी कि चिपकने के काम आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। विडाल टेस्ट इज ए एन डॉट डॉट, यानी कि विडाल टेस्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, ठीक है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन है, कलर फिक्स है वो है। तो बताओ भैया कलर रिएक्शन है, या फिर आपका कंप्लीमेंट है, या फिर आपका एग्लूटिनेशन है, या फिर प्रेसिपिटेशन है। तो आपका एग्लूटिनेशन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, सेकंड इज द राइट आंसर बन जाएगा मेरे पास साथियों, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये पूछा गया है, और आपका जो 2022 वाला पेपर है उसमें कुछ और पूछा गया है, मतलब उसके पूरे लेबल को ही हटा दिया गया मैंने देखा है, ठीक है कोई बात नहीं। येलो कलर ऑफ सीएसएफ इज नोन एज, जेंथोक्रोमिया कहीं है भैया, राइट कर दो, सेकेंड इज द राइट आंसर, जेंथोक्रोमिया इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। गैस गैंग्रेना, गैस गैंग्रेनी कह सकते हो, गैंग्रीन कह सकते हो, इज कॉज बाई, तो बताओ भैया गैस गैंग्रीन क्या काज करता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, तो टिटैनी नहीं भैया, क्या जाएगा बताओ,
टिटेनी आपका नहीं जाएगा, क्लास्टिडियम ठीक है, स्पिटिकम जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर जाएगा। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये बताओ भैया मॉलिकुलर फार्मूला आपके ग्लूकोज का क्या होता है। अगर सच्चाई बता दें कि अगर आप पूरा जो हमारा संकल्प बैच बना है, संकल्प बैच के एमसीक्यू को देख लोगे अभी से, तो आप इन सभी प्रश्नों को आराम से कर दोगे यार। वहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट को भी क्लियर कराया है, क्योंकि उड़ीसा का जो बैच बना है, उड़ीसा में कार्बोहाइड्रेट दिया है, उसी को सोच के हमने यहाँ पे ठीक है उनको हमने कराया है। तो भैया बताओ C6H12O6, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, सी इधर राइट जाएगा। ठीक है बच्चा, इम्यूनोग्लोबिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, भैया बताओ एकदम इम्पोर्टेंट पिटा क्वेश्चन यार। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र भाई, ठीक है नंद किशोर सुनानी, मनीष भाई, ठीक है बेबी लता, दशरथ मान, सभी का राइट आंसर है। चेतना बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं गलत होगा आपका, ठीक है चेतना भाई एकदम से गलत होगा, चेतना बहन जो भी है, ठीक है IGG इधर राइट आंसर जाएगा। भैया NHM का हर बार से पिटा क्वेश्चन कौन सा है जो आपके मदर में क्रॉस करता है, तो ये आपका कौन जाएगा, आपका IGG इधर राइट आंसर जाएगा। 65 नंबर का है, डॉट डॉट इज ए कीटोन बॉडी, तो कीटोन बॉडी हमने क्या क्या बताया, बीटा हाइड्रॉक्सिक हाइड्रॉक्सी ब्यूटरिक एसिड बताया, और का एसीटोन बताया है, और एक क्या बताया भैया, तीसरा बता दो, एक तो हमने एसीटोन बताया यहाँ पे, दूसरा आपका बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरिक एसिड है, और एक कौन है, एसिटो एसिटिक एसिड, बिल्कुल हम लगता है वेरी गुड बच्चे, एसिटो एसिटिक एसिटो एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर, बिल्कुल चेतना एसिटो एसिटो एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है तो तीन प्रकार के आपके कीटोन बॉडी होते हैं, ठीक है भूख भूख के केस में आपके ज्यादा ये आपके क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेट देखने को मिलते हैं, कई सारे कारण हैं, इसमें आपका एक भूख वाला भी कारण बना था जो कि हमने बताया है आपको। ठीक है चलो भैया अगले प्रश्न पे आ जाओ, 66 नंबर पे मानक विधि यहाँ पे पूछा है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन इज, अब भैया बताओ ये हमने कराया, आप तो बताओ भैया, उड़ीसा वाले बताओ, MP वाले बता दो, ये तो कराया हमने, ये तो हीमोग्लोबिन में इसको तो बताया हमने कि कौन सा स्टैंडर्ड मेथड है, कौन सा जो आपका हेमेटोलॉजी का कम्युनिटी है इसको प्रिफर करता है। बिल्कुल बच्चे मनीष भाई, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका जाएगा, बी इज द राइट आंसर जाएगा, साइन में हीमोग्लोबिन मेथड। फिर से पूछ लिया आपके मलेरिया से प्रश्न, प्लाज्मोडियम से पूछा भैया वही, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो लाइफ साइकिल होता है आपके मलेरिया वाली साइकिल का, उसमें आपका जो मैन वाला साइकिल वो क्या होता है, ठीक है विखंडन जनन, कोशिकीय द्रव्य संलयन, बीजाणु उद्भवन, या फिर आपका युग्मक उद्भवन, मतलब कि ठीक है इसको जो इसको गैनी, या फिर आपका ठीक है प्लास्मोगैनी, या फिर आपका स्पेरोगैनी, या फिर आपका गेमेटोगैनी, तो आपका सी इज द राइट आंसर जाएगा, इसको इसको जो गैनी आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है ये बताओ, अब भैया बताओ ये वाला का एंटी कोगुलेंट का तो बताओ भैया, क्रांति बैच वाले, एंटीकोगुलेंट दैट चिलेट कैल्शियम इज हिपेरिन फास्फेट EDTA फ्लोराइड, मतलब ऐसा दे दिया है कि आपको गलत करना ही नहीं है, अगर सोडियम यहाँ पे ठीक है ये आपका ट्राई सोडियम दे देता, देन आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हाँ भैया कुछ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बताया था सर ने, यहाँ तो आपको साफ साफ लिख दिया है कि EDTA इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है हिपेरिन आपका ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ये एज ए एंटी थ्रोम्बिन के काम की तरह काम करता है, और फ्लोराइड जो है आपके ग्लू जो आपका साइकिल है, उस साइकिल में जो आपके मतलब कि ग्लूकोज लेवल होते हैं उनको वहां पे मेंटेन करता है, देन आपका जो राइट आंसर बनेगा सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है अब बताओ यहाँ पे सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर, सिकलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो आपका सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, मेगलोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से यहाँ पे होता है, फोलिक एसिड विटामिन B12, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, आज मैंने बता दिया इसका आंसर। ठीक है चलो, हु इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया, देखो हटके प्रश्न बन गया भैया, ये जो पढ़ा होगा वही करेगा, तो RR बेंडे इज द राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा,
अगर पूछेगा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की, तो आपका ठीक है कार्ल लैंडस्टीनर जाएगा, आपका कार्ल लैंडस्टीनर आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है, अगर ए बी ओ ग्रुपिंग पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस कैप्सूल, निम्न में से किसके कैप्सूल होते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम निमोन सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नाइजीरिया गोनेरिया, या फिर आपका बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस बताओ भैया, बैसिलस एंथ्रेसिस या फिर आपका कोई और, तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर बनेगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल इज सोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, यानी कि जो आपका चाइनीज लेटर का जो आपका मतलब कि अरेंजमेंट होता है वो किसके लिए होता है भैया, कॉर्नी बैक्टीरियम, बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग वाले हो सही है, कॉर्नी बैक्टीरियम इज द राइट आंसर बनेगा, दूसरा इज द राइट आंसर बनेगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है आपके चाइनीज लेटर के जो आपका अरेंजमेंट होता है वो आपका होता है, एग्जाम्पल अच्छे से यार रट लो, ठीक है, विब्रियो का क्या होता है ऐसे वाला होता है, ठीक है, विब्रियो का मतलब समझ रहे होगे आप लोग, कॉमा से, बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई। वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ऑफ ब्लड बैग डॉट डॉट, अब बताओ भैया 350 ml के बैग में कितना एंटीकोगुलेंट यहाँ पे लोगे, 49 ml लोगे शायद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी द राइट आंसर जाना चाहिए और यही जा भी रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर जाएगा, 49 ml आप यहाँ पे लेते हो एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब भैया लो भैया 74 नंबर का प्रश्न, संकल्प बैच वालों के लिए, यूरिन जो पढ़ लियो हो लास्ट में, माइक्रोस्कोपिक हमने बताया, कास्ट सीन इन यूरिन यानी कि जो आपके कास्ट हैं वो आपके कहाँ पे सीन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के, ल्यूसीन के, ठीक है, ट्रायोसीन के, या फिर आपका बैक्सी, देखो इसका जो राइट आंसर है आपका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, देखो ये कह क्या रहा है, कास्ट सीन इन यूरिन यानी कि जो आपके कास्ट हैं वो कौन से आपके यूरिन में सीन होंगे, ठीक है, अभी आपको बताना है। अच्छा कैल्शियम ऑक्सलेट है क्या, कैल्शियम ऑक्सलेट आपका क्रिस्टल है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट आपका क्रिस्टल है, ल्यूसीन बैक्सी ट्रायोसीन यही बच रहा है, तो इसका बैक्सी द राइट आंसर जाएगा, हेस टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोरिंग, बताओ भैया डॉट डॉट ऑफ बाइल साल्ट, हेस टेस्ट जो होता है इसमें हमने क्या बताया था भैया कि जो आपका इसमें डालते क्या है, सबसे पहले बताओ बाइल साल्ट की जो आपकी टेस्ट है, हेस टेस्ट इसमें डालते क्या है, ठीक है कमेंट तो सब कर दिए, डालते क्या है, बिल्कुल बिल्कुल मोनालिसा भाई, मतलब सारी भाई बोल दिया हमने, ठीक है, मोनालिसा सल्फेट का जो पाउडर है वो डालते हैं, ठीक है, सल्फर का पाउडर सॉरी सल्फर का पाउडर डालते हैं, देन उसमें क्या होता है वही आपका नीचे जाता है, ठीक है, तो ये आपके किस पे, सरफेस टेंशन पे, आपके पृष्ठ तनाव पे आपके डिपेंड करता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर जाएगा, ठीक है, सल्फर पाउडर, बिल्कुल मनीष भाई। तो ये टोटल 75 प्रश्न थे, कोई डाउट तो नहीं है भाई, ये वाला क्लास कैसा लगा, सभी प्रश्न हमें लग रहा है सभी लोग सॉल्व किए यार, हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व कराने की, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही खुद सोचो, इतना हलवा पेपर भी नहीं आएगा, मनीष भाई आपने एग्जाम दिया था वो आपको उस टाइम इतना पता नहीं था भाई यार, गलत बात है, और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था एमपी वाले बताओ भाई, और कितने लोगों ने एग्जाम दिया इस पेपर पे नहीं हुआ, पढ़ना पड़ेगा भाई लालचंद भाई, पढ़ना पड़ेगा, इस पेपर पे उस समय नहीं हुआ मतलब कि या फिर आपकी पढ़ाई बिग थी, या फिर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी कह सकते हो, नहीं था प्रैक्टिकल तो इसमें नहीं था, हाँ नंद किशोर ये पेपर था एमपी मध्य प्रदेश के ग्रुप 5 का, यानी कि जो व्यापम के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है उसका ये पेपर था,
और इसमें आपके कुछ स्टूडेंट्स मिल भी रहे हैं जिनका इसमें भी नहीं हुआ, मतलब इतने सिंपल पेपर पे नहीं हुआ, इसका मतलब मेरिट हाई जा रहा है इस पेपर पे भी, और कुछ ना कुछ गलती वो कर रहे हैं, उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, ठीक है। हाँ लालचंद भाई, आपने 2 नंबर से रह गए, तो 2 नंबर जो आपका जा रहा है ना, ये आपका ले जा रहा है। देखो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि द वंडर ऑफ वंडर इज डॉट डॉट मैनेज टू मेक लिविंग इन द फैक्ट ऑफ सोरिंग, पता नहीं क्या बोल रहा है भैया, समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका दिक्कत देता है, ठीक है। समझ रहे हो, तो इसको आपको कवर करना है, इस पे बात करेंगे एक दिन की कैसे इसको कवर करें कि आपका पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। देखो भैया, मैं इसके लिए यही आपको प्रेफर करूंगा, डेली मैथ की प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, होता नहीं यार, कितना भी करो होता नहीं है, मुझे पता है। मतलब आप मैथ में अगर वीक हो तभी ना, तो वो दिक्कत होती कि मैथ में अगर बंदा वीक है तो वीक ही रह जाता है वो, कि आखिर एकदम से मेहनत कर दे और फिर अब समय हो जाता है जॉब का ये वो, तो फिर मोनालिसा बिल्कुल पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जिसका पीडीएफ नहीं जाएगा आप तक, और अगर कोई पीडीएफ छूट जाता है तो आप आराम से मेरे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको 2 घंटे 3 घंटे में जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर एक बार में सॉल्व नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि आप गुस्सा करके बैठ जाओ कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, आप दोबारा उसको मैसेज कर सकते हो, हो सकता है उस समय मेरे पास टाइम ना रहा हो, दोबारा मैं जब मैसेज को देखूंगा आपका काम जरूर कर दूंगा, किसी भी स्टूडेंट्स का हो, ठीक है। बस क्लास को करते रहो और अपने दोस्तों में क्लास के बारे में बता सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रचार करते रहो क्लास के बारे में, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, मटेरियल्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको मतलब संतुष्टि है इस क्लासों से, लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, ठीक है, तो आप जरूर अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो। आज कोई ये नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, आज कोई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन प्रश्नों का कोई क्विज बनना उचित नहीं है। कल आपकी जो क्लास है या फिर 8 बजे से होगी, या हाँ 8 बजे से होगी, 8 से 9 होगी आपकी क्लास मॉर्निंग में, 8 से 9 आपकी मॉर्निंग में क्लास रहेगी, ठीक है। भूपेंद्र भाई, आपने वसीम को बता दिया, वसीम से बताओ शायद मॉर्निंग का नेटवर्क अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं भैया एमपी वालों से यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दो यार, जो 1-2 नंबर से रह रहे हो कहाँ रह रहे हो ये खुद समझो, ठीक है, और कोशिश यही है कि पेपर इसी मीडियम में आ जाए तो अच्छी बात है, वो लेवल जो देता है, सच बताएं तो एक अगर बैठा दिया जाए एक एमबीबीएस को तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, मतलब क्या है। मानता हूँ कि आप अच्छे एजुकेटेड लोगों को लेना चाहते हो अपने लैब में, लेकिन इतना भी एजुकेटेड ना ले लो कि वो डॉक्टर के सर पे आके बैठे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई नंद किशोर, बिल्कुल 2022 में जो पेपर हुआ है उसका भाई पीडीएफ मैं खोज रहा हूँ, मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसका पेपर, जब सॉल्व करोगे ना तब पता चलेगा कि हाँ पेपर है क्या। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल वाले, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, गुड नाइट बच्चा।